पहली बाउंड्री इस मुकाबले की। फाइनले का खिलाड़ी जो है वो घेरे के अंदर है, ये मत भूलिएगा। अच्छी शुरुआत, चार रन मिलेंगे या जी हाँ, कदमों का इस्तेमाल होज ने किया, गैप ढूंढा और चार रन पाए। ये खेला है बड़ा शॉट और इसी की मांग भी थी, यहां चल गया कॉलिन मुनरो का बल्ला 24 पे एक चार के बाद। गेंदबाजी करें वेल डानिमान, ये लीजिए और एक बॉल स्पिन करवाने का प्रयास था पर उसको मिडविकेट की तरफ खींच दिया चार रन के लिए। बुरा शॉट नहीं है ये, गेंदबाजी करने के लिए ये टक्कर अच्छी रहने वाली है। इस बार गैप में खेला, खूबसूरत टाइमिंग, जबरदस्त शॉट, थोड़ा गेंद को ऊपर डाला था पर पूरी तरह तैयार थे बनरो। बहुत बड़ा पहलू है, छोटा गेंद उतना खोटा नहीं था पर खेल दिया, बढ़िया शॉट वहां पे 6 रन के लिए। थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गए थे कि पिछला गेंद भी छोटा और अगला गेंद भी छोटा कर दिया 41 पे 2-6 के बाद। मुश्किलात बढ़ेंगी वाइपर्स के लिए। और ये देखिए, ये है शॉट, क्या करारा शॉट है, ये ताकत है और ये कला भी है आजम खान की। यहाँ पर आप नहीं गेंद कर सकते, पिछला बॉल के बल्ले और पैड के बीच में से जरूर निकला, उसी तरह का गेंद था, शायद ये थोड़ा छोटा था, उनको थोड़ा वक्त ज़्यादा मिला कि उसके नीचे घुस सकते और चलता किया गेंद को। बहुत ही उमदा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। शादाब खान आए नए बल्लेबाज, थोड़ा बैटिंग क्रम में फिर बदल, इस बार गैप में खेला, गेंद हवा में थी पर गैप में, 4 रन मिलेंगे पहली गेंद पे शादाब को। बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, लेंथ को पिक किया, गैप में खेला, बड़ा गैप है ऑफ साइड पे और यहां मिलेंगे 4 रन मनरो को। ये धीरे धीरे अपनी लय पकड़ रहे हैं। बड़ा शॉट, गैप में है 4 रन। हाँ, गैप में ये ज्यादा जरूरी, शुरुआत हुई है बाउंड्री के साथ, दिशा पे नियंत्रण नहीं रख पाए। यहां अली खान आए हैं गेंदबाजी के लिए और इंप्रोवाइज किया है, ऊपर से निकल गई गेंद, 150 रन पूरे हो गए वाइपर्स के इस बाउंड्री के तहत। अच्छा इंप्रोवाइज किया वहां पे, 150 रन पूरे